हेलो गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग जा रहे हैं शनिदेव मंदिर। पहले राजा को दवाई दिलाएंगे, फिर जाएंगे सीधे शनिदेव मंदिर। राजा उठ गया है, बस्सल भी उठ गया है, तो हम नहा धो के तैयार ही हैं और सीधा चल रहे हैं शनिदेव के मंदिर। पहले तो गाइस बस्सल तो आ चुका है, ये रहा बस्तर, हमारे बस्तल मासा। गाड़ी भी आ खड़ी है, बस राजा का इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी राजा आ जाए तो हम लोग चलते हैं। तुझे नहीं लगता गाड़ी 4 पहियों की होती नहीं है? नहीं हमारी गाड़ी यही है। अच्छा हाँ, एक दूसरा आदि मानव भी आ गया है, राजा भी आ गया है। हम बस गाड़ी गई है हमारी पेट्रोल डलवाने, आ रही होगी। मोटरसाइकिल गई है हमारी पेट्रोल डलवाने। भैया गाड़ी कह दे तो इन्हें लग जाती है मिच्छे। अब हमने खरीदी तो हम भाई गाड़ी बोलेंगे। मोटरसाइकिल हमारी आ गई है, देख रहा अच्छा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डला के आ गए हैं। अब चलते हैं राजा को दवाई दिलाएं, फिर चलते हैं सीधे शनिदेव के मंदिर, दर्शन कराएंगे वहां आप लोगों को भी शनिदेव महाराज के। हम लोग भावटेश्वर वाला जैसे पुल चल क्रॉस करने के बाद लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद ये बम्बा पड़ेगा आपको, इस पर लिखा भी है शनिदेव महाराज मंदिर। इसी बम्बे वाले रोड पर आप लोग हो लो। वीर भान सिंह कन्या इंटर कॉलेज इसी रोड पर है। इसी बम्बे वाले रोड पर लगभग 4 किलोमीटर चलेंगे मंदिर पड़ जाएगा। फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर पर। ये गंगा के किनारे बसा प्यारा सा मंदिर, बहुत अच्छा है। आप लोग अगर आना चाहें तो आ जाएं। ये फोकस कैसे छोड़ रहा हूँ फोन। हेलो गाइस, तो हम लोग सीधा पहुंच गए हैं शनिदेव मंदिर। हम लोग अभी गेट पर ही खड़े हैं, सब लोग चलते हैं दर्शन करते हैं शनिदेव मंदिर। अच्छा बना है मंदिर, आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। जय श्री राम महाराज। चला भाई प्रसाद ले आले, चले प्रसाद। क्या हम पे प्रसाद वहां मिलेगा? अच्छा पैसे, गरीब लोगों को पैसे भी देने पड़ते हैं भैया, क्या किया जाए। तीन करते और तेल भी दे दो ये सब। ये
अच्छा फिर रैपर रैपर सब हटा दो तेल पे, तो घर से ही बनवा दो बाबा जी का। अरे ऐसा हम ही पकड़ेंगे का। हाँ तेल 1000 रुपये काटो तीनों को। कितने हो गए? 5 बाबा जी कितने हो गए पहले? 70 ले लो, लौट के आ रहा हूँ मैं, आप जमा कर ले। लौट के आ रहा हूँ, जमा कर ले, जमा कर लो। अब लौट के आ रहे हैं, अब तो खुले हो जाए तो दे दियो। कर लो जमा, पहचान लिया भाई आराम से। कैसे तो गाइस, तो हम मंदिर को मंदिर के लिए जा रहे हैं दर्शन के लिए। ये सामने शनिदेव महाराज का मंदिर है, ये सामने शनिदेव महाराज का मंदिर है, जा रहे हैं अब दर्शन के लिए। ये हमारे पपनी भैया बच्चल भैया, मैंने लिए हम आ चुके हैं। ये शनिदेव महाराज की प्रतिमा है और ये राहु महाराज की प्रतिमा है, राहु महाराज की। और ये केतु महाराज की प्रतिमा है, श्री राहु केतु महाराज। और अंदर भी कई मूर्तियां हैं, मंगल देव, पूरे 9 ग्रह की गर्भ ग्रह में इंद्रियां। पीछे बृहस्पति देव, पीछे फिर उनके पीछे एक मूर्ति किसी भी देवता की, सूर्य देव। गुरुदेव, शुक्रदेव, श्री शनिदेव चालीसा, इसका पाठ कर ले भैया। हेलो, शनिदेव महाराज के दर्शन हो गए और यहाँ पर देखने लायक बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं आपको, मैं सभी एक एक करके दिखा रहा हूँ। अभी यहाँ पर आप जैसे ही निकलेंगे मंदिर के साथ यज्ञ स्थल है, बहुत ही प्यारा यज्ञ स्थल बना हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा का ये पंडाल है, मंच बना हुआ है, बहुत ही अच्छा मंच बना हुआ है और पूरा वाटर प्रूफ है। यहाँ अक्सर कथाएं होती रहती हैं किसी न किसी महात्मा की। और अभी जो हम हैं वो हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो वाटिका है, बहुत ही प्यारी वाटिका बनी हुई है।
तो इस वाटिका में कई सारे फूल पेड़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे फूल पेड़ चंदन के और सब हैं। अभी हम एक एक करके आपको सभी दिखाएंगे वृक्ष, बहुत बढ़िया। यह सफेद चंदन का पेड़ लगा है, यहाँ सुपारी का पौधा है। हाथ तो कर लेना है, हाँ सब करो, कृपया अंदर ना। ये मौसमी का पेड़ है जी, अरे यार जी मौसमी तो लगी ही निकाल रही। सफेद चंदन का वृक्ष और ये रुद्राक्ष का वृक्ष और पीछे काजू का वृक्ष है, छुआरे का पौधा, आड़ू बुखारे का पौधा, आलू बुखारे का, आलू बुखारा का पौधा, किन्नू का पौधा, किन्नू का पौधा, संतरे की बहन, संतरे की बहन, सदाबहार आम, बादाम का सदाबहार, पीछे है बादाम का पौधा। ये इधर कुछ झाड़ियों में छुपा हुआ दिख नहीं रहा, मैं देख के बता दूंगा, मैं बताऊंगा। ले देखो सर, छोड़ना दिख रहा हूँ। बनारसी आम है, बनारसी आम, इसमें है बनारसी आम लिखा हुआ है। शाम तुलसी पीछे लगी है, चीकू का पौधा, चीकू का पौधा, ये रहा लौंग का पौधा, ये है लौंग का पौधा, अंजीर का पौधा, अंजीर का पौधा, पिस्ता का पौधा, किसी लोगों ने देखा हो तो ये पिस्ता का पौधा है, हींग का पौधा, और इधर ये हींग है, हींग तुलसा जी बहुत लगी है, श्यामल तुलसा जी, और इधर है ये इलायची का पौधा, और ये पूरी वाटिका है बहुत ही प्यारी बनी हुई है। ये बिल्कुल बेल की तरह लग रहा है कोई फल, लेकिन इस पर नाम लिखा है जंगली फल। और प्यारी सी गौ माता, बोलिए गौ माता की जय हो। जामुन का ब्रज, कल ब्रज, अच्छा सावधान, इधर काला सर्प घूमता है, अंदर जाना सख्त मना है। इधर रुद्राक्ष का ब्रज है काफी बड़ा, पीछे सफेद चंदन और लाल चंदन दोनों वृक्ष हैं, सफेद चंदन, चंदन वृक्ष लाल, अंदर पीछे और वाटिका है, अंदर जाना मना लिखा है इसलिए हम जा नहीं रहे। अभी हमने आपको वाटिका दिखाई है, और यहाँ पर और भी मंदिर हैं जो हम एक एक करके सभी मंदिरों को देखते हैं और दर्शन करते हैं प्रभु जी का। और इनका जन किस चीज का डिस्कशन चल रहा है, बहुत देर से दोनों डिस्कशन में लगे हुए हैं, क्या डिस्कशन चल रहा है मुझे नहीं पता। अब हम लोग आगे चलते हैं, आप लोगों को और यहाँ मंदिर हैं, बहुत प्यारे मंदिर हैं, और भी वो भी दिखाते हैं। यहाँ भैरव बाबा की मूर्ति, बोलिए भैरव बाबा की जय, श्री भैरव बाबा। बोले बजरंग बली महाराज की जय। भाई गेट पर ही मिलेंगे रक्षा करते हुए, कहीं भी जाइए किसी भी मंदिर में, और ये गेट लगा है, और इधर हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान है। ये है परिक्रमा मार्ग, चलते हैं हम लोग परिक्रमा पे, आगे कंटिन्यू करते हैं। जय आगे जय माता दी, जय माता दी, जय पहले शनिदेव महाराज की जय। कन्हैया जी का ये मंदिर है।
मेरा जी विराजमान है अंदर। श्री मृत कुंज बिहारे नवा कुंज बिहारी जी का मंदिर है। गणपति बप्पा मोरिया भैया की जय। मैं माता गौरी का मंदिर फोकस गायब हो रहा है। गौरी मैया की जय। नौ माता है विराजमान है यहाँ पर, नौ देवी विराजमान है यहाँ पर। भगवान राम जी का मंदिर है ये सामने। भगवान राम जी सीता जी लक्ष्मण जी की मंदिर अभी खुला नहीं है। मंदिर अभी खुला नहीं है। बाहर से दर्शन कर रहे हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। उस यापते रामचंद्र की जय। वीडियो बना ले। तो गाइस हमारे दर्शन हो गए हैं, अब हम लोग घर निकल रहे हैं। संजय महाराज के दर्शन हो गए। जैरी भाई, हेलो जैरी, गाड़ी मासा चला रहे। सब सुख रहे तुम्हारी। हम लोग दर्शन के लिए निकल लिए हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करते हैं लाइक, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। और संदेव का मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप